अपराध के मामले चाहे छोटे हों या बड़े, वर्तमान समय में लगभग सर्वव्यापी हो गए हैं। हर किसी को अपराधों की खबरें मीडिया, टेलीविजन या सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती हैं। लोग आमतौर पर किसी भी अपराध के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो वो जांच शुरू करती है। हालांकि एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक ना तो पुलिस घुसी और ना ही गांव वालों को कभी पुलिस के पास जाना पड़ा। मध्य असम के नागांव जिले में ढिंग रेवेन्यू सर्कल के अंतर्गत स्थित सहरिया गांव ने कभी किसी पुलिसकर्मी को गांव में प्रवेश करते नहीं देखा। 1998 में स्थापित और मुख्य रूप से बोडो समुदाय के लोगों द्वारा बसाए गए इस गांव में कभी भी कोई अपराध नहीं हुआ, चाहे वो हत्या, दुष्कर्म, हिंसा या डकैती हो। मैं यहां पिछले 2 साल और 2 महीने से तैनात हूं, लेकिन मैंने कभी भी सहरिया गांव के लोगों को किसी भी कारण से थाने आते नहीं देखा। हमने कभी भी सहरिया गांव के लोगों के लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया है। नागांव शहर से लगभग 18 किलोमीटर और ढिंग से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि गांव के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि किसी के खिलाफ केस कैसे दर्ज करवाया जाए। ये गांव वास्तव में लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक है। गांव के लोग पिछले कई दशकों से शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं। अगर गांव में कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो गांव के बड़े लोग आपस में बात करके उसे सुलझा लेते हैं। हम कभी किसी थाने या किसी अदालत में नहीं गए। हम यह भी नहीं जानते कि पुलिस की भूमिका क्या है। सहरिया गांव में 170 परिवार हैं और गांव की आबादी करीब 600 है। विभिन्न कार्यों के लिए गांव प्रबंधन समिति है। गांव के सभी परिवार बगारुम्बा, बिहू, उर्का, बथौ पूजा और अन्य सभी कृषि संबंधी गतिविधियों और विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों को मनाते रहे हैं। ग्रामीण खेती में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के बुजुर्ग लोगों के साथ ग्राम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था और प्रबंधन समिति उनकी सलाह के अनुसार चलाई गई। यदि कुछ समस्याएं हैं तो ग्राम प्रबंधन समिति एक दूसरे से बात करके मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाती है। ऐसे समय में जब पूरे राज्य में अपराध हो रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है कि पुलिस को कभी भी इस सहरिया गांव में कदम नहीं रखने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।